रहीम, इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है 1.3 का, जनरल साइंस के मैथ का, ये रैशनलाइज करना है इसको। डिनोमिनेटर से जो है अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टी लो तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसका। यहीं से अगला स्टेप मैं कर देता हूँ, ताकि 3 माइनस 4 और ये आ गया -1 और ये ऊपर वाली अमाउंट को चेंज कर देगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है उसका 1/4 -√5। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसको भी ऐसे ही 4+√5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दूंगा रैशनलाइज के तौर पे, और ये इसका जवाब रहेगा 4+√5 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 4+√5, नीचे 16 -5 और ये जवाब आ गया 4+√5/11। इसी तरह नेक्स्ट है इसका 4√3/√7+√5। यहाँ पर इसको मैं जब रैशनलाइज करूँगा 7-√5, नीचे 7-√5, तो ये 4√3 में आएगा 7-√5, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा 4√3/7-√5। ये 7 है जी, 5 का स्क्वायर आएगा और ये बन जाएगा 7-5, 4√3/7-√5/2, 2 × 2 = 4। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आएगा उसको हम देखते हैं, वो ये है कि √x − √y/√x + √y। रैशनलाइज में हमेशा यही काम करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू में से माइनस का साइन लगा के अप एंड डाउन रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये ऊपर तो बनेगा a√x − √y² बन जाएगा a^1 इसकी और √1 इसकी, 1 और 1 = 2 हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम। यहाँ पर बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जैसे आप यहाँ से आगे वाली पोजीशन पर जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b आएगा, इसके बाद x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, x + y − √x/√y/(x − y), ये इसका जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5√7/2+3√7, और ये करेंगे 2−3√7/2−3√7। ऊपर तो एज इट इज 5√7 × 2−3√7 आ जाएगा, जब नीचे करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 3√7, ठीक है जी, और ये आ जाएगा 7√ का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 5√7/2−3√7/4−9/7, ये 3 × 9 = 7 आ गया, 7×9 = 63 हो जाता है, सिक्सटी थ्री में से आप अगर इसको निकाल लें 5 × 10 √7 और 5 × 3 = 15 √7/√7 होंगे तो खाली 7 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा −59। और इसको भी आगे कर लें 10√7 − 105/-59, माइनस ऊपर जाके वैल्यूज चेंज कर देगा, ये बन जाएगा −10√7/105/59, ये इसका यहाँ तक जवाब।